नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की। तो भारत जोड़ो यात्रा के बैनर पर सावरकर की भी तस्वीर नजर आई। कोची में यात्रा के स्वागत के मौके पर लगाया गया बड़ा बैनर। बैनर पर टैगोर, मौलाना आजाद, गोविंद बल्लभ पंत, चंद्रशेखर आजाद के साथ वीर सावरकर की भी तस्वीर नजर आई। चेंग माड़ पंचायत की ओर से लगाया गया विशाल बैनर, बाद में सावरकर की जगह लगाई गई गांधी की तस्वीर। लेकिन तस्वीर वायरल बैनर में साफ दिख रहे हैं सावरकर, तो लेकिन ये तस्वीर बाद में गांधी की लगाई गई इस जगह पर ये जो तस्वीरें वो काफी ज्यादा अब वायरल भी हो रही है। तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर की तस्वीर भी एक बड़े बैनर पर नजर आई। इस तस्वीर के माध्यम से आप भी समझ पाएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये बैनर लगा हुआ था। तो कोची में यात्रा के स्वागत के मौके पर लगाया गया था बड़ा बैनर। बैनर पर टैगोर, मौलाना आजाद, गोविंद बल्लभ पंत, चंद्रशेखर आजाद के साथ वीर सावरकर की भी तस्वीर लगाई गई। चेंग मानाड़ पंचायत की ओर से लगाया गया था यह विशाल बैनर, बाद में सावरकर की जगह लगाई गई गांधी की तस्वीर। लेकिन तस्वीर वायरल हुई और बैनर में साफ दिख रहे हैं सावरकर। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज कर दी। मुस्लिम पक्ष ने की थी 8 हफ्ते सुनवाई टालने की मांग। हिंदू पक्ष ने वाराणसी कोर्ट में अर्जी दी, शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर दी अर्जी। हिंदू पक्ष की अर्जी पर 29 सितंबर को होगी सुनवाई। तो हिंदू पक्ष की अर्जी पर 29 सितंबर को ये सुनवाई होगी। तो वहीं ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज की है। मुस्लिम पक्ष ने की थी 8 हफ्ते सुनवाई टालने की मांग। हिंदू पक्ष ने वाराणसी कोर्ट में अर्जी दी है, शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर अर्जी दी गई है। हिंदू पक्ष की अर्जी पर 29 सितंबर को सुनवाई होगी। केंद्रीय भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के आंकड़ों की बात अब हम करेंगे। रोजगार में महिलाओं और युवाओं की संख्या बढ़ने के संकेत हैं। ईपीएफओ के सदस्यों में महिलाओं की संख्या 27.5% बढ़ी है। वहीं जुलाई में 4,10,000 महिलाएं बनी ईपीएफओ की सदस्य। रोजगार के क्षेत्र में बढ़ रही है महिलाओं की संख्या। तो लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, तो वहीं रोजगार के क्षेत्रों में भी महिलाएं आगे बढ़ रही है। केंद्रीय भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के आंकड़ों के अनुसार रोजगार में महिलाओं और युवाओं की संख्या बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। ईपीएफओ के सदस्यों में महिलाओं की संख्या 27.5% बढ़ी। जुलाई में 4,10,000 महिलाएं बनी ईपीएफओ की सदस्य। रोजगार के क्षेत्र में बढ़ रही है महिलाओं की संख्या। 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने खर्च किए 340 करोड़ रुपए। पार्टी ने सबसे ज्यादा खर्च उत्तर प्रदेश चुनाव में किया। वहीं कांग्रेस ने इन चुनाव में खर्च किए 194 करोड़ रुपए से ज्यादा। दोनों प्रमुख दलों के चुनाव खर्च पर आई रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। चुनाव आयोग में दायर की गई और सार्वजनिक की गई रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी ने यूपी में सबसे ज्यादा 221 करोड़ रुपए, मणिपुर में 23 करोड़ रुपए, उत्तराखंड में 43 करोड़ 67 लाख रुपए, तो वहीं पंजाब में 36 करोड़ रुपए से ज्यादा और गोवा विधानसभा चुनाव में करीब 19 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो यह हम जानकारी इस वक्त हम आपके साथ साझा करें। तो वहीं आपको बता दें कि 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने खर्च किए हैं 340 करोड़ रुपए। पार्टी ने सबसे ज्यादा खर्च उत्तर प्रदेश चुनाव में किया है। वहीं कांग्रेस ने इन चुनाव में खर्च किए हैं 194 करोड़ रुपए से ज्यादा। दोनों प्रमुख दलों के चुनाव खर्च पर आई रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। चुनाव आयोग में दायर की गई और सार्वजनिक की गई रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी ने यूपी में सबसे ज्यादा 221 करोड़ रुपए, मणिपुर में 23 करोड़ रुपए, तो वहीं उत्तराखंड में 43 करोड़ 67 लाख रुपए, पंजाब में 36 करोड़ से ज्यादा और गोवा विधानसभा चुनाव में करीब 19 करोड़ रुपए खर्च किए। बंगाल में नागरिकता संशोधन विधेयक यानी कि CAA प्रमुख मुद्दा है। पश्चिम बंगाल के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने यह कहा कि बीजेपी के लिए जैसे केंद्र में राम मंदिर, वैसे ही बंगाल में CAA 2024 लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो सकता है। CAA मटुआ समुदाय के लोगों को नागरिकता देने के पक्ष में है बीजेपी। बंगाल में बड़ी संख्या में बांग्लादेश से आए मटुआ समुदाय के लोग रहते हैं, तो ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में भी इसका फायदा मिल सकता है। और यही वजह कि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने इस बात का जिक्र किया और कहा कि बंगाल में नागरिकता संशोधन विधेयक यानी कि CAA प्रमुख मुद्दा है।
तो पश्चिम बंगाल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लिए जैसे केंद्र में राम मंदिर है, वैसे ही बंगाल में CAA। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो सकता है CAA। मटुआ समुदाय के लोगों को नागरिकता देने के पक्ष में है बीजेपी। बंगाल में बड़ी संख्या में बांग्लादेश से आए मटुआ समुदाय के लोग। अब बात करेंगे उद्धव की शिवसेना की शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की तैयारी। तो बीएमसी से अब तक अनुमति हालांकि नहीं मिली है इस रैली को लेकर के। 20 दिन पहले दिया था आवेदन। बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। बीएमसी शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने भी दिया है आवेदन। बॉम्बे हाईकोर्ट से याचिका पर जल्द सुनवाई करने की मांग की गई। तो बॉम्बे हाईकोर्ट से जल्द इस पूरे मसले को लेकर के सुनवाई करने की मांग की गई है। तो शिवसेना की शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की तैयारी है। ये उद्धव वाली शिवसेना की हम बात कर रहे हैं। तो वहीं बीएमसी से अब तक इसको लेकर के अनुमति नहीं मिली है। 20 दिन पहले ही दिया था आवेदन बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका। तो वहीं बीएमसी शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने भी दिया है आवेदन। बॉम्बे हाईकोर्ट से याचिका पर जल्द सुनवाई करने की मांग की जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का होगा सीधा प्रसारण। CJI UU ललित की अध्यक्षता में फुल कोर्ट मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। सभी संविधान पीठों में होने वाली सुनवाई का होगा प्रसारण। वहीं 27 सितंबर से शुरू होगा सुनवाई का सीधा प्रसारण। YouTube पर किया जाएगा सुनवाई का सीधा प्रसारण। तो जो भी सुनवाई होगी उसका सीधा प्रसारण किया जाएगा, यानी कि लाइव टेलीकास्ट से किया जाएगा और यूट्यूब पे ये लाइव टेलीकास्ट की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का ये सीधा प्रसारण किया जाएगा। CJI UU ललित की अध्यक्षता में फुल कोर्ट मीटिंग में ये फैसला है। हमने देखा भी कि CJI UU ललित लगातार इसी बात को लेकर फोकस रहे हैं किस तरीके से न्याय प्रक्रिया को और भी ज़्यादा पारदर्शी बनाया जाए। तो ऐसे में ये फैसला मील का पत्थर साबित होगा। तो सभी संविधान पीठों में होने वाली सुनवाई का प्रसारण लाइव होगा। तो वही 27 सितंबर से शुरू होगा सुनवाई का सीधा प्रसारण। YouTube पर किया जाएगा सुनवाई का सीधा प्रसारण। आखिर कौन होगा FSSAI का अगला अध्यक्ष? एक वरिष्ठ डोमेन विशेषज्ञ या वैज्ञानिक को अध्यक्ष बनाने की अटकलें हैं। पिछले साल नवंबर में रिक्त हुआ था FSSAI का अध्यक्ष का पद। शुरुआत में एक सेवानिवृत्त IAS को अध्यक्ष बनाने की थी चर्चा। अब जानकार सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि शीर्ष प्राधिकरण एक वैज्ञानिक या डोमेन विशेषज्ञ को बनाना चाहता है FSSAI का प्रमुख, यानी कि जो फसाई का जो प्रमुख है वो कोई वैज्ञानिक अब होगा शायद। तो वही अटकलें इस बात को लेकर बहुत ज्यादा तेज है। वर्तमान में राजेश भूषण संभाल रहे हैं अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार। तो राजेश भूषण वर्तमान में अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। अब इंतजार यही कि अब नया नाम कौन होगा जो FSSAI का अगला अध्यक्ष होगा। एक वरिष्ठ डोमेन विशेषज्ञ या वैज्ञानिक को अध्यक्ष बनाने की अटकलें हैं। पिछले साल नवंबर में रिक्त हुआ था FSSAI का अध्यक्ष का पद। शुरुआत में एक सेवानिवृत्त IAS को अध्यक्ष बनाने की चर्चा थी। अब जानकार सूत्रों के हवाले से हम खबर मिल रही है कि शीर्ष प्राधिकरण एक वैज्ञानिक या डोमेन विशेषज्ञ को बनाना चाहता है प्रमुख। वर्तमान में राजेश भूषण संभाल रहे हैं अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार। IFS कार्तिक पांडे सेशेल्स में उच्चायुक्त नियुक्त। सेशेल्स गणराज्य में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है उन्हें। वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव है कार्तिक पांडे। भारतीय विदेश सेवा के 2004 बैच के अधिकारी हैं कार्तिक पांडे। तो अहम जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। तो IFS कार्तिक पांडे सेशेल्स में उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। सेशेल्स गणराज्य में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त उन्हें किया गया है। वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव है कार्तिक पांडे। भारतीय विदेश सेवा के 2004 बैच के अधिकारी हैं कार्तिक पांडे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमा। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने किया है मुकदमा। जेम्स ने ट्रंप के मामलों को बताया आर्ट ऑफ द डील। ट्रंप ने 1987 में लिखी थी किताब आर्ट ऑफ द डील। जेम्स ने ट्रंप की किताब के शीर्षक में किया फेरबदल। मुकदमे में ट्रंप के बेटे बेटी को भी बनाया गया है आरोपी। तो ट्रंप पर ये मुकदमा हुआ है। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने किया है मुकदमा। जेम्स ने ट्रंप के मामले को बताया आर्ट ऑफ द स्टील। ट्रंप ने 1987 में लिखी थी किताब आर्ट ऑफ द डील। जेम्स ने ट्रंप की किताब के शीर्षक में फेर बदल किया है। मुकदमे में ट्रंप के बेटे बेटी को भी आरोपी बनाया गया है।
अब बात करेंगे चीन में भ्रष्टाचार के खिलाफ सजाए मौत की। तो चीन में भ्रष्टाचार के खिलाफ पूर्व न्याय मंत्री को सजाए मौत। पूर्व न्याय मंत्री झेंग हुआ को 2 साल की कैद और मौत की सजा दी गई। चीनी सरकार में कई बड़े पदों पर रह चुके हैं फू झेंग हुआ। फू झेंग हुआ पर निजी फायदे के लिए भ्रष्टाचार करने का आरोप है और यही वजह कि चीन में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त एक्शन देखने को मिला है और पूर्व न्याय मंत्री को सजाए मौत दी गई है। पूर्व न्याय मंत्री झेंग हुआ को 2 साल की कैद और मौत की सजा दी गई है। चीनी सरकार में कई बड़े पदों पर रह चुके हैं फू झेंग हुआ। फू झेंग हुआ पर निजी फायदे के लिए भ्रष्टाचार करने का आरोप। बिहार में नक्सलवादी खत्म, झारखंड में अंतिम चरण में सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह का दावा। झारखंड में नक्सलियों को हटाने का काम अंतिम चरण में। 2010 में 60 जिले थे नक्सल प्रभावित, अब घटकर हुए 39। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 39 जिलों में फिलहाल नक्सलवाद का असर है। तो 39 जिलों में फिलहाल नक्सलवाद का असर बताया जा रहा है और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और जो जानकारियां सामने आ रही है उनके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि बिहार में नक्सलवादी खत्म हो गए हैं। झारखंड में भी नक्सलवादी अंतिम चरण में है। सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह का ये दावा है। झारखंड में नक्सलियों को हटाने का काम अंतिम चरण में है। 2010 में 60 जिले थे नक्सल प्रभावित, अब घटकर ये 39 ही रह गए हैं। तो ये छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 39 जिलों में फिलहाल नक्सलवाद का असर है।